मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, आज मैं आपको साटन स्टिच सिखाने जा रही हूँ। ये इस तरह बनती है। साटन स्टिच तिरछी भरी जाती है, एकदम पास पास। इस तरीके से डिजाइन और कलर आप अपने हिसाब से चुन लें, जैसा आपको पसंद हो। थोड़ा सा इधर से बढ़ाते जाएं और थोड़ा इधर से बढ़ाते जाएं, इस तरीके से। जैसे यहाँ से पत्ती निकली है तो इसको यहाँ से लें और इसको जो है इसके पास से लें, ऐसे, और धागा खींच दें कस के। ये देखिए, इस तरीके से ये पूरी पत्ती भरी जाएगी। फिर इसको यहाँ से लें और इसको यहाँ से लें, ऐसे, इस तरीके से। इसी क्रम से पूरी पत्ती भर दी जाएगी। और ध्यान ये रखें कि ये जो ऊपर टांका है ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए और ये नीचे का भी बराबर आना चाहिए। इसको आप साड़ी में, सूट में, कहीं भी बना लें, बहुत सुंदर लगता है। ये फूल बनाकर तैयार कर लिया है। एक बार मैं फिर से आपको बनाना बता रही हूँ कैसे बनता है। इसमें बराबर बराबर लेते जाए, पूरी पत्ती भर जाएगी। हमेशा तिरछी पत्ती ये भरी जाती है। इस तरीके से पूरी पत्ती बना लेंगे। इस तरीके से पूरी पत्ती बनाते इस तरीके से पूरी पत्ती बन गई। अब मैं इसकी डाल बनाने जा रही हूँ। इसकी डाल मैं स्टेम स्टिच से बनाऊंगी। स्टेम स्टिच को आम भाषा में उल्टी बखिया भी कहते हैं। ये इस तरह बनेगी। इसमें ध्यान ये देना पड़ता है कि ये धागा जो है एक ही साइड में रखा जाता है। और मैं पिछले वीडियो में स्टेम स्टिच आपको बता भी चुकी हूँ। इस तरीके से बनेगी। मेरा प्रशिक्षण केंद्र चलता है, मैं प्रमाण पत्र भी देती हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं कढ़ाई का पूरा कोर्स कराऊँगी। इसके बाद में मैं सिलाई और फैब्रिक पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, मैं सारे कोर्स कराऊँगी और मैं हर किसी का प्रमाण पत्र देती हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए।
इस तरीके से स्टेम स्टिच ये पूरी डाल बन जाएगी। ऐसे इस तरीके से पूरी ये डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको आईलेट स्टिच सिखाऊंगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद।